थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैपिटल में हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मिशन प्रॉपर्टी। योर मिशन इज अवर मिशन। आज हम आए हैं ट्राइसिटी रीजन के लार्जेस्ट डेवलपर के पास, जिन्होंने अब तक ट्राइसिटी में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं एंड अब सबसे ज्यादा प्रोडक्ट इनके ऑनगोइंग हैं, हाईएस्ट प्रोडक्ट इनके चल रहे हैं। एंड पूरे ट्राइसिटी रीजन में मैक्सिमम अगर हम बात करें 15 प्लस प्रोडक्ट्स का इनके पास रेरा आ चुका है जो इनके ऑनगोइंग प्रोडक्ट्स हैं। हम बात करने वाले हैं सुषमा ग्रुप की। सुषमा ग्रुप के बारे में हमें जो आगे प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, जो हमें पूरे ग्रुप की डिटेल्स देने वाले हैं, नितिन मल्होत्रा जी हैं। मैं आपको नितिन मल्होत्रा जी से मिलवाता हूँ, वो आपको प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफ करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नितिन मल्होत्रा एंड आई एम वर्किंग विद सुषमा ग्रुप। सो आइए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले इस लोकल मैप से स्टार्ट करते हैं। हाईवे से अगर हम देखें तो NH22 आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे है। ये पहला हाईवे की कनेक्टिविटी है। जो दूसरा हाईवे है दैट इज गोइंग टूवर्ड शिमला, ये हिमाचल की तरफ की कनेक्टिविटी देता है। तीसरा हाईवे ये हमें पंजाब की कनेक्टिविटी देता है, जो कि पटियाला की तरफ मूव कर रहा है। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पे हैं सारे के सारे इसी हाईवे के सराउंडिंग्स में आपको मिलेंगे। मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रोजेक्ट्स बताना चाहूँगा। जहाँ पे हम अभी हैं, हम इस एरिया को सुषमा डाउनटाउन कहते हैं। एक लैंडमार्क हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। टोटल 60 एकड़ लैंड पे हम सुषमा डाउनटाउन को बिल्ड कर रहे हैं। इस जगह पे हम अभी हैं, यहाँ पे हमारे चार प्रोडक्ट्स हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम खड़े हैं सुषमा डाउनटाउन के ऑफिस के बिल्कुल बाहर, और ये एयरपोर्ट रोड पे है। मैं आपको एक 360 व्यू में यहाँ पे पूरा रोड की लोकेशन आपको दिखाता हूँ। 60 एकड़ की टाउनशिप हम यहाँ पे बना रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जो सामने आप बनी हुई बिल्डिंग्स देख रहे हैं, सुषमा वैलेंशिया है। 23 एकड़स में हमारा विला फ्लोर कॉन्सेप्ट में हम 3 BHK यहाँ पे बना रहे हैं। बिल्कुल उसके साथ में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये सुषमा एम्पीरिया के नाम से हम एक कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो कि एक रिनोन शॉपिंग। सो फ्रेंड्स, सुषमा वैलेंशिया जो है स्प्लिट प्लस 4 स्टोरी में हम विला फ्लोर कॉन्सेप्ट में बना रहे हैं। यहाँ पे आपको लिफ्ट, ग्रीन पैचेस, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस जैसी एमेनिटीज भी मिलती हैं, जो कि सिर्फ हाई राइज प्रोजेक्ट्स में रहती हैं। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। ओपननेस आपको बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे। आपकी सराउंडिंग्स जो हैं वो चंडीगढ़ के जैसे ही ग्रीन है। सो आइए फ्रेंड्स, आपको लेके चलते हैं सुषमा वैलेंशिया। तो अभी हम हैं वैलेंशिया में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वाइड रोड्स हमने प्रोजेक्ट में रखे हैं। ओपननेस की बात मैंने करी थी, ओपननेस आपको बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे। लोग एंड दे आर अप्रिशिएटिंग क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। इतने वाइड रोड्स और इतनी ओपननेस आपको इस पूरे रीजन में किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगी।
तो अभी हम सुषमा वैलेंशिया से एग्जिट ले रहे हैं एंड एयरपोर्ट रोड की तरफ जाते हुए हम सुषमा जॉयनिस्ट एमओएच में आपसे मिलते हैं। सो अभी हम जब दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे मूव कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये हमारा एक डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, सुषमा होमवर्क। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी ऑप्शन में कमर्शियल स्पेसेस अवेलेबल हैं और लीज गारंटी भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अभी हम मूव कर रहे हैं एयरपोर्ट रोड पे और एग्जैक्टली 8 किलोमीटर्स पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लेफ्ट हैंड साइड पे अभी हम देखेंगे सुषमा जॉयनिस्ट एमओएच 1। अभी लेफ्ट साइड पे जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये है सुषमा जॉयनिस्ट एमओएच 1। यहाँ पे हम पोजेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। अभी हम एंटर कर रहे हैं जॉयनिस्ट एमओएच 1 में। ये हमारा वैल्यू होम सेगमेंट का प्रोडक्ट है, एक कम्प्लीटली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। बहुत ही वाइड रिजॉर्ट लाइक एंट्री एग्जिट आपको इस प्रोजेक्ट में मिलता है, बिल्कुल ऑन हाईवे ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। कुछ अमेनिटीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा जॉयनिस्ट एमओएच की। बेसमेंट पार्किंग फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है, बहुत ही अच्छा ग्रीन कवर इस प्रोजेक्ट में है। स्टिल्ट पे भी आपको पार्किंग स्पेस अवेलेबल है, वाइड रोड्स हैं सोसाइटी के। मोर देन 65,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा आपको यहाँ पे ग्रीन पार्क एरिया मिलता है। इंटेलिजेंट लाइटिंग फीचर्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। क्रॉस वेंटिलेशन जो है इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छी आपको मिलती है। एक बड़ा पार्क और बड़े क्लब हाउस जैसी फैसिलिटीज आपको इस प्रोजेक्ट में मिल रही है। यहाँ पे हमारे पास क्लब हाउस में बहुत अच्छी अमेनिटीज अवेलेबल है, स्विमिंग पूल इस प्रोजेक्ट में रहेगा। बेसमेंट पार्किंग की मैंने ऑलरेडी बात करी, वो इस पे पूरे प्रोजेक्ट में हम बेसमेंट पार्किंग बना रहे हैं। ये सारे फीचर्स जो हैं आपको किसी एक प्रीमियम प्रोजेक्ट में मिलते हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर्स पे एक बार कॉन्टैक्ट जरूर करें। सो अभी हम एग्जिट ले रहे हैं जॉयनिस्ट एमओएच 1 से। इसके बिल्कुल साथ ऑन एयरपोर्ट हाईवे हमारा एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है सुषमा प्रिस्टीन के नाम से। सो जॉयनिस्ट एमओएच रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के बाद ये है हमारा प्रोजेक्ट नंबर 7 सुषमा प्रिस्टीन। अभी हम सुषमा प्रिस्टीन में एंटर कर रहे हैं। तो जैसे आपने हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग अभी देखी सुषमा प्रिस्टीन की, एग्जैक्टली कुछ इस तरह से वो बनेगी। सो अभी हम हैं PR7 रोड पे जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड है। यहाँ से अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो दिस रोड गोज टूवर्ड पटियाला। अगर आप सीधा जाते हैं एग्जैक्टली 5 किलोमीटर पे आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलता है, और अगर राइट साइड पे जाते हैं तो कनेक्टिविटी चंडीगढ़ और जीरकपुर दोनों जगह की है। इस रोड की खासियत ये है कि यहाँ पे आपको मल्टीपल स्टेट्स कनेक्टिविटी मिलती है, चाहे वो पंजाब है, जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल है, चंडीगढ़ है, दिल्ली, हरियाणा, इन सारे स्टेट्स की कनेक्टिविटी आपको यहीं से मिल जाती है।
सो अभी हम सुषमा प्रिस्टीन से यूटर्न ले चुके हैं और जा रहे हैं अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे की तरफ। सो अभी हम जा रहे हैं दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे की तरफ PR7 से होते हुए। लेफ्ट साइड में चंडीगढ़ और शिमला की कनेक्टिविटी है, राइट हैंड साइड पे दिल्ली एंड अम्बाला की कनेक्टिविटी। यही रूट आपको सीधा लेके जाएगा वहां जहां से हमने अपना सफर शुरू किया था। अभी हम पहुंच चुके हैं दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे और जा रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट नंबर 8, 9, 10 सुषमा इन्फिनियम, सुषमा ग्रैंडे, ग्रैंडे नेक्स्ट की तरफ। सो अभी आपको राइट हैंड साइड पे जो बिल्डिंग दिख रही है, दिस इज द मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग इन दिस रीजन, अगेन मेड बाय सुषमा बिल्टेक लिमिटेड। रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है सुषमा इन्फिनियम। चंडीगढ़ और पंजाब के बीच का जो गैप है वो इस फ्लाईओवर से कंप्लीट होता है। फ्लाईओवर क्रॉस करते ही आप सीधा चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। सो अभी हम जा रहे हैं सुषमा इन्फिनियम की तरफ। फ्लाईओवर खत्म होते ही जस्ट ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड पे आपको हमारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिनकी बात मैंने अभी करी थी, सुषमा इन्फिनियम जो कि कमर्शियल है, और दो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं, सुषमा ग्रैंडे एंड ग्रैंडे नेक्स्ट। सो अभी हम खड़े हैं सुषमा इन्फिनियम के बाहर। यहाँ पे आप सिर्फ अपना ऑफिस या रिटेल शोरूम नहीं परचेज करते हैं, आप अपने लिए एक एड्रेस परचेज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी ऑफ दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। आइए आपको प्रोजेक्ट के अंदर लेके चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है सुषमा इन्फिनियम, इस रीजन की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है ये। सो अभी जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये इस रीजन की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। अपार्ट फ्रॉम दिल्ली NCR, नॉर्थ इंडिया की फास्टेस्ट एलिवेटर इस प्रोजेक्ट के अंदर लगे हैं। अगेन वेरी हाई फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पे जो आप आर्किटेक्चर देख रहे हैं बिल्कुल सेक्टर 17 चंडीगढ़ से मिलता जुलता है। पार्किंग की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती, जनरली कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में पार्किंग की बहुत दिक्कत होती है। तो जैसा कि मैंने बताया था, हमने यहाँ पे डबल बेसमेंट पार्किंग बनाई है। रिटेल ब्रांड्स ऑलरेडी आने शुरू हो चुके हैं। सो आइए अभी आपको लेके चलते हैं सुषमा ग्रैंडे में। ये इस रीजन का पहला लग्जरी प्रोडक्ट है। जब ये बना था तो ये जीरकपुर का पहला लग्जरी प्रोडक्ट था, आज कंप्लीट है। फैमिलीज आर ऑल्सो लिविंग। लार्जेस्ट ग्रीन एरिया इस प्रोजेक्ट में है, इन टोटल 7 acres, टोटल 12 एकड़ का प्रोजेक्ट है ये। दिस वन वॉज द फर्स्ट प्रोजेक्ट विद द बेसमेंट पार्किंग इन दिस एरिया। यहां से आप जितनी जगह अंदर की तरफ देख रहे हैं सब ग्रीन ही है। वी आर वेरी स्ट्रिक्ट इन द वे वी मेंटेन आवर प्रोजेक्ट्स, जैसे कि हम बैल्कनीज कवर नहीं करने देते हैं। यू कैन सी ओपननेस इन ऑल आवर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर वालों को हम प्राइवेट गार्डन स्पेस भी दे रहे हैं। जो आप देख रहे हैं वो सुषमा ग्रैंडे का क्लब हाउस की कंस्ट्रक्शन चल रही है। इस प्रोजेक्ट में हमारा एक क्लब हाउस ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है और ये दूसरा क्लब हाउस हम यहाँ पे बना रहे हैं। ये विजिटर पार्किंग है और बेसमेंट पार्किंग हमारी ऑलरेडी बन चुकी है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ग्रीन कवर हमने यहाँ पे भी बहुत रखा है। यू कैन सी द प्रीमियमनेस ऑफ द बिल्डिंग। प्रॉपर एंट्री गेट्स हैं हर एक टावर के लिए। लार्ज ग्रीन कवर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ये सुषमा ग्रैंडे का टेनिस कोर्ट है। तो अभी आपने देखा सुषमा ग्रैंडे और अब हम जा रहे हैं सुषमा ग्रैंडे नेक्स्ट की तरफ, जो कि हमारा प्रोजेक्ट नंबर 10 है। अभी हम आ चुके हैं सुषमा ग्रैंडे नेक्स्ट में। We'll be right back.
अभी हम जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट नंबर 11 की तरफ, जो कि एक मिनी रिजॉर्ट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं जॉइनर्स ZR के 1 प्रोजेक्ट में। ये अफोर्डेबल प्रीमियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट है हमारा। इसके बिल्कुल सामने पंजाब गवर्नमेंट एक 100 एकड़ का कम्युनिटी पार्क जो है वो प्लान कर रही है। इस प्रोजेक्ट की कुछ खासियत भी हैं, कुछ अमेनिटीज़ हैं जो आप किसी भी प्रीमियम प्रोजेक्ट से मैच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ की कंस्ट्रक्शन, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ग्राउंड प्लस 5 स्टोरीज में हम इसे बना रहे हैं, जो कि विद लिफ्ट रहेंगी। क्लब हाउस जैसी अमेनिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, और एक रिजॉर्ट की तरह आपको सेपरेट एंट्री एग्जिट गेट भी यहाँ पे मिलते हैं। तो आइए अब हम प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक अफोर्डेबल प्रीमियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। एक 2 BHK के प्राइस में जीरकपुर के अंदर आपको एक 3 BHK अपार्टमेंट यहां पे मिलता है। ग्राउंड प्लस 5 स्टोरीज में हम यहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो कि विद लिफ्ट रहेंगी। पोजेशन हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये सुषमा जॉइनर्स ZRK का क्लब हाउस है, जो कि फिनिशिंग स्टेज पे पहुंच चुका है। काफी प्रीमियम फीचर्स आपको इस क्लब हाउस में मिलते हैं। हम एग्जिट ले रहे हैं सुषमा जॉइनर्स ZRK 1 से, और जा रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट नंबर 12 पे, जो कि है सुषमा स्क्वायर में। वहां पे हम 4 प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, जिसमें सुषमा ग्रीन विस्टा, एलीट क्रॉस, अर्बन व्यूज एंड सुषमा क्रीसेंट फेज 1 आता है। खड़े हैं सुषमा एलीट क्रॉस के बाहर, जो कि सुषमा स्क्वायर में है। इस प्रोजेक्ट को डिलीवर हुए टोटल 5 साल हो चुके हैं। आप बाहर से ही अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रीमियम वे में हमने इस प्रोजेक्ट को डिलीवर किया है। अभी हम खड़े हैं सुषमा ग्रीन विस्टा के बाहर, जिसे डिलीवर हुए 7 साल हो चुके हैं। आज भी ये उतना ही प्रीमियम नजर आता है जितना day 1 ऑफ पोजेशन था। अभी जो ये आप रोड देख रहे हैं, ये आपको कनेक्टिविटी देगी PR7 से, और बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे जो रोड है वो आपको ओल्ड अम्बाला रोड की कनेक्टिविटी दे रही है। हम इस एरिया में, जिसे सुषमा स्क्वायर के नाम से आज जाना जाता है, उस एरिया में खड़े हैं जहाँ पे हमने एक ही जगह पे 4 प्रोजेक्ट डिलीवर किए। सो अभी हम खड़े हैं सुषमा क्रीसेंट के बाहर, जिसे डिलीवर किए हुए 3 साल हो चुके हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया कि इस एरिया को सुषमा स्क्वायर के नाम से जाना जाता है, जो कि अपने आप में लैंडमार्क बन चुका है आज की डेट में। बिल्कुल पंजाब और पंचकूला, अगर हम हरियाणा की बात करें तो बिल्कुल इसके मिडल में ओल्ड अम्बाला रोड के साथ में ये लोकेशन है। यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट हम 8 साल पहले डिलीवर कर चुके हैं, 6 साल 7 साल पहले डिलीवर कर चुके हैं। सो एक ही जगह पे हमने यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। हमें अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे पूरा भरोसा था, और हमारे क्लाइंट्स को हमारे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे भरोसा था, इसीलिए हम यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाए। फ्रेंड्स, अभी हम खड़े हैं सुषमा क्रीसेंट फेज 2 के बाहर, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन पार्ट है पूरे प्रोजेक्ट का। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, व्हाइट वॉश ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। हम जल्द ही इसका पोजेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बुक कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कीजिए। सो जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने देखा, सुषमा क्रीसेंट फेज 1 हम डिलीवर कर चुके हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से प्रीमियमनेस के साथ में हम ये वाला प्रोजेक्ट भी डिलीवर करेंगे। फिनिशिंग का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अभी हम मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। बिल्कुल एडजेसेंट में, इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ में एक 9 एकड़ का पार्क भी है। अंदर से ही प्रोजेक्ट के आपको वहां पे जाने के लिए प्रॉपर एंट्री मिल जाती है। तो अभी हम एग्जिट ले रहे हैं सुषमा क्रीसेंट से, और जा रहे हैं हमारा कमर्शियल प्रोजेक्ट है सुषमा कैपिटल।
सो अभी हम खड़े हैं सुषमा कैपिटल में, जो कि एक यूरोपियन आर्किटेक्चर के साथ हम प्रोजेक्ट यहाँ पे बना रहे हैं। कम्प्लीटली रिटेल सेगमेंट है यहाँ पे, ब्रांड्स ऑलरेडी मूव इन होना शुरू हो चुके हैं। रिलायंस स्मार्ट यहाँ पे आ रहा है, पिज्जा हट, सबवे जैसे ब्रांड्स यहाँ पे ऑलरेडी मूव इन हो चुके हैं, उनके फिट आउट का काम शुरू हो चुका है। आउटर फसाड आपने देखा इसमें, हमने उस पर भी बहुत वर्क किया है। यूरोपियन आर्किटेक्चर जिसकी बात हम कर रहे थे, आपने बाहर से फसाड में देखा होगा, हमने ब्रांडिंग के लिए भी प्रॉपर स्पेस दिया है। स्काईवॉक जैसे फीचर्स हमने यहाँ पे रखे हैं। कम्प्लीटली रिटेल सेगमेंट है, जहाँ पे एक 2 लाख फैमिलीज की कैचमेंट आपको यहाँ पे मिलती है। रिटेल के चलने के चांसेस और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब इस तरह की कैचमेंट होती है। सराउंडिंग में देखें तो बिल्कुल नज़दीक विदिन 2 किलोमीटर्स रेंज में आपको पंचकूला सेक्टर 20 की लोकेशन मिल जाती है। अगर हम ऑपोजिट साइड में मूव करें तो PR7 की कनेक्टिविटी भी बहुत ही जल्द इसके साथ मिलने वाली है। अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे जल्दी कॉन्टैक्ट करें। सुषमा कैपिटल इस एरिया की पहली रिटेल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट बनेगी। हमने ऑलरेडी बहुत से ब्रांड्स के साथ में टाई अप कर रखे हैं, पिज्जा हट, सबवे, रिलायंस मार्ट, नाइकी, क्रॉक्स, स्केचर्स, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे अपने फिट आउट भी शुरू कर चुके हैं। करीबन 27 लाख से हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शुरू हो जाती है। और इस तरह का इस पूरे एरिया में ये इकलौता प्रोजेक्ट है जिसकी कनेक्टिविटी, पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो आने वाले चांस टाइम में इसके बढ़ने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फ्यूचर इसका बहुत ही ब्राइट हो जाता है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप नीचे दिए नंबर्स पे कॉल ज़रूर करें। आप जब भी विजिट करें तो नीचे QR कोड दिया हुआ है, आप उसे अपने मोबाइल से स्कैन कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी होती है आप नीचे दिए मोबाइल नंबर पे कॉल ज़रूर कीजिए। थैंक यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। योर मिशन इज़ आर